हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMLT एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे DSSSB 2019 के बच्चे के 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी नहीं किया देखा है वो वीडियो, वो देख ले जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया, एग्जामिनेशन ऑफ द स्पुटम इज मोस्ट कन्वेंशनली कंसिडर्ड अंडर। ऑप्शन नंबर ए दिया फिजिकल एग्जामिनेशन, बी में माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल एग्जामिनेशन, सी में करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पुटम इन वेरियस डिसीज, और ऑप्शन नंबर डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल एग्जामिनेशन जो मोस्ट कन्वेंशियल होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा, डैश कलर स्पुटम इज फ्रिक्वेंटली सीन इन एडवांस फाइथिसिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, येलो इज ग्रीन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इज द राइट आंसर येलो इज ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, फॉलोइंग आर द DNA वायरस एक्सेप्ट, मतलब इनमें से सारे DNA वायरस हैं और एक RNA वायरस है जिसका हमें पता लगाना है। ऑप्शन नंबर ए दिया पॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर बी हर्पीस वायरस फैमिली, ऑप्शन नंबर सी एडिनो वायरस फैमिली, ऑप्शन नंबर डी पिकोरना वायरस फैमिली। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पिकोरना वायरस फैमिली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, जर्म ट्यूब टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जर्म ट्यूब टेस्ट को हम कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कैंडिडा एल्बिकेंस। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, रिमूवल ऑफ टिश्यू विट फॉर्म एन अल्सरेटिव लीजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सीजन बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, ऑल ऑफ देम आर ब्रांच चैन अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो ब्रांच चैन नहीं है, होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसिन। लाइसिन ब्रांच अमाइनो एसिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन सोमेटिक सेल्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा 23 पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया इज कॉमनली नॉन एज। 2015 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विप बॉम को ही ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, डेथ सीक्रेट अ टॉक्सिन फ्लूड कॉल्ड एस्कारोन। ऑप्शन नंबर ए दिया है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल, ऑप्शन नंबर सी में दिया ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, ओरल थ्रस्ट इज कॉज्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर बी फ्यूसेरियम, ऑप्शन नंबर डी कैंडिडा, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडिडा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, एसिड यूज फॉर डिकैल्सिफिकेशन के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को डिकैल्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और इसमें फॉर्मिक नाइट्रिक एसिड होता है जिसे डिकैल्सिफिकेशन के यूज करते हैं। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, या तो फिर इसका ए होगा या सी होगा। इसका जो भी आंसर हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा था, प्रेजेंस ऑफ द डैश मे बी टेकन एज पॉजिटिव एविडेंस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा, इन डैश बैसिलस म्यूकोसल कैप्सुलेटस ऑर्गेनिज्म इज फाउंड विद द निमोनोकोकस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा, विल्सन डिसीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ एबनॉर्मल डैश मेटाबॉलिज्म। विल्सन डिसीज जो हमें होती है वो कॉपर के मेटाबॉलिज्म से होती है। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। क्वेश्चन 65 में पूछा गया, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी लेपरी, सी में माइक्रोबैक्टीरियम बोवाइस, और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिट बाई एनिमल्स, मतलब एनिमल के द्वारा कौन सी डिसीज का ट्रांसमिशन होता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए पोलियो, बी मम्स, सी वेरिसेला, और ऑप्शन नंबर डी रेबीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है।
क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, द क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड पॉलीयूरिया ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज सीरस फ्यूजन एंड इट मैनी डैश कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया नर्वस, बी में कार्डियक, सी मस्कुलो स्केलेटल, ऑप्शन नंबर डी में रेस्पिरेटरी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मस्कुलो स्केलेटल। क्वेश्चन 68 में पूछा है, इन अ डैश द यूरिन मे बी रीच द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ 50 लीटर। ऑप्शन ए दिया है गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया आर्थराइटिस, ऑप्शन सी में दिया निमोनिया और ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटिस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटिस। क्वेश्चन 69 में पूछा द प्लाज्मा प्रोटीन विच बाइंड फ्री हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया ट्रांसफेरिन, बी एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी हेप्टोग्लोबिन और डी मैक्रोग्लोबिन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हेप्टोग्लोबिन। क्वेश्चन 17 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर इनमें से कौन सी डिसीज को कहते हैं? नंबर एक रूमेटिक फीवर, नंबर बी मलेरिया, नंबर सी डेंगू और नंबर डी में दिया है रूबेला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी डेंगू। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर कहते हैं तथा गांव में इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा अबाउट 80-90% ऑफ द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, मतलब सेल वॉल ऑफ फंगाई, सेल वॉल ऑफ फंगाई किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काइटिन। क्वेश्चन 72 में पूछा डैश इंक्रीज पेनिट्रेशन रेट इन टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग को पेनिट्रेट इनमें से कौन सी कंडीशन कर देती है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दिया हीट, बी एजिटेशन, ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रेशन और ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रेशन। सॉरी शायद इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एजिटेशन। और कंफ्यूज हूँ, मतलब जो भी अगर कोई क्वेश्चन गलती से अगर गलत हो जा रहा है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे उसमें सुधार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है डाइट्री डिफिशियंसी ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स में बी कॉज पेलेग्रा, मतलब पेलेग्रा जो डिफिशियंसी है वो किसकी कमी से होती है? पेलेग्रा डिसीज। ऑप्शन नंबर ए दिया फॉलिक एसिड, बी पेरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी कोबालामिन और ऑप्शन नंबर डी दिया नियासिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी नियासिन। ये विटामिन बी थ्री का नाम होता है नियासिन। ऑप्शन नंबर 74 में पूछा नॉर्मल प्लाज्मा पोटेशियम लेवल इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा 3.4 to 5.0, ऑप्शन नंबर बी। बुक्स में इसका आंसर मिलता है 3.2 to 5.2, लेकिन इसमें दिया तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 3.4 से 5। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा अ होस्ट ऑन विच द पैरासाइट लिव्स इन अडल्ट फॉर्म इज नॉन एज। ऑप्शन नंबर ए इंटरमीडिएट होस्ट, ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटिव होस्ट, ऑप्शन नंबर सी पैराटैनिक होस्ट, ऑप्शन नंबर डी कैजुअल होस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटिव होस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन 76 में पूछा गया है द सिस्ट प्रोड्यूस्ड बाई इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस इज कॉल्ड, तो जैसा कि हमने 2015 वाले पेपर में पढ़ा था उसमें ये पूछा था हाइड्रेटेड सिस्ट किसकी वजह से होता है, और इसमें बस उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रेटेड सिस्ट इकाइनोकोकस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है डैश रिसेंबल एमॉर्फस फॉस्फेटेट्स टू द नेक्ड आई इन द यूरिन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी एसिड। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा था मिक्स 24 आवर्स यूरिन इज स्लाइटली डैश इन रिएक्शन, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा बैक्टीरिया एंड सेल आर बेस्ट सीन इन डैश स्पुटम, मतलब बैक्टीरिया और सेल्स किस प्रोसेस में हमें अच्छे से दिखाई देंगे स्पुटम के अंदर? ऑप्शन नंबर ए दिया है अनस्टेन स्पुटम, ऑप्शन नंबर बी स्टेन स्पुटम, ऑप्शन नंबर सी में बोथ और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी स्टेन। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है इन डैश टेस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू इज इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरी एंड द टाइम ऑफ इट्स अपीयरेंस इन द यूरिन इज नोटेड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है
फ्लोरिडजिन, ऑप्शन नंबर बी मिथालिन ब्लू, ऑप्शन सी में किडनी फंक्शन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मिथालिन ब्लू। क्वेश्चन 81 में पूछा है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर रेबीज इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए साल्क वैक्सीन या बी सेवन और सी साल्क एंड सेवन और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। साल्क और सेवन ये वैक्सीन है, इनका यूज़ हम पोलियो के लिए करते हैं ना कि रेबीज के लिए। क्वेश्चन 82 में पूछा प्रेजेंस ऑफ वायरल बैक्टीरिया इन द सर्कुलेटिंग ब्लड इज नॉन एज, इसका राइट आंसर रहेगा पे, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिमिया। क्वेश्चन 83 में पूछा गया अ मेजर कंसल्टेंट ऑफ लंग्स सर्फेसेंट इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया सैचुरेटेड फैटी एसिड आर, तो इनमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा, जैसा कि सबको पता होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें से कौन सा है। एक मिनट, सैचुरेटेड ऑप्शन नंबर ए पालमीटो लाइक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 85 में पूछा था फोर न्यूक्लियोटेड सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्वाड्री न्यूक्लियेटेड सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा बुचेरिया बैनक्रॉप्टी कॉज, बुचेरिया बैनक्रॉप्टी क्या कॉज करता है, विक्टोरिया बैनक्रॉप्टी कॉज करता है फाइलेरिया, इसे एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा डैश इज एग्जांपल ऑफ बेसिक डाई, इनमें से बेसिक डाई का एग्जांपल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 88 में पूछा है डैश आर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेसिक डाई विच स्टेन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल डाई। क्वेश्चन 89 पूछा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12 कॉज, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से कौन सी एनीमिया होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पर्निशियस एनीमिया। और फॉलिक एसिड की कमी से अगर पूछा जाए तो भी इसका राइट आंसर सी रहेगा पर्निशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है पैथोलॉजिकली यूरिन लेवल इज फाउंड लो इन, यूरिन लेवल लो फाउंड इनमें से किस कंडीशन में होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये तब होता है जब ज़्यादा दारू पीने से किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। क्वेश्चन 91 एबनॉर्मल क्लाउडीनेस इन यूरिन यूजुअली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, सॉरी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पस, पस के आने पर ही तो यूरिन क्लाउडी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा था प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग ऑफ द माइक्रोटम नाइफ कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हॉनिंग, हॉनिंग एंड स्ट्रोपिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है डैश क्लियरिंग एजेंट इज हैविंग कार्सिनोजन प्रॉपर्टी, इसका बेंजीन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका बेंजीन, बेंजीन से कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूंट कैरी ऑफ एनी यूरिन इन 24 आवर्स इज अबाउट, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 40 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है द डैश इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यूरिन, यूरिन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा था एग्जांपल ऑफ ईस्ट लाइक फंगी जाई, क्वेश्चन 96 में पूछा एग्जांपल ऑफ ईस्ट लाइक फंगी, ईस्ट लाइक फंगी का एग्जांपल होता है कैंडिडा एल्बिकेंस, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कैंडिडा एल्बिकेंस। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा एन इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडर नॉन एज, तो इसका राइट आंसर रहेगा नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा एज पर जिलोमा इज कॉमनली नॉन एज, ऑप्शन नंबर ए दिया फंगस बॉल, बी फंगल नेट, सी फंगल कॉम्प्लेक्स, डी नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए फंगल बॉल, फंगस बॉल।
क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा, मम्स इज एन इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ, मम्स इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो इसमें से सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी है अपनी? ऑप्शन नंबर ए इज द सलाइवरी ग्लैंड्स, तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए पैराटॉइड ग्लैंड्स, जो कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेट सेप वायरस, बुलेट सेप वायरस इसमें से कौन सा होता है? बुलेट सेप वायरस रेबीज वायरस होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का हमारा लास्ट वायरस और लास्ट क्वेश्चन। कल हम स्टार्ट करेंगे 2021 में जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था DSSP का, उसके क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।